हाय दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्लॉग आप लोग के दुआ से हम अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, आज ये सरिता मैडम के लिए गिफ्ट आया है, और ये देखिए क्या है, बताओ। सूट है, सूट है, दो सूट मिला है। और रक्षाबंधन को हम वीडियो डाले थे कि हम भाई के पास जा रहे हैं राखी बांधने के लिए, तो वही भैया हमको दिवाली पे गिफ्ट दिए हैं। दिवाली पे? हाँ, रक्षाबंधन का है, एक दिवाली का है। अच्छा, एक दिवाली का एडवांस गिफ्ट है और एक रक्षाबंधन का है। तो हर राखी को हमको डबल ही गिफ्ट मिलता है, डबल सूट। आप लोग कमेंट में बताइएगा, देखिए दो सूट हमको मिला है। सरिता मैडम, मतलब सरिता मैडम को सूट मिल गया, ये समझिए दिवाली का खर्चा कम हो गया, एक कपड़े का खर्चा कम हो गया। तो भी आए देखा भैया, ये हमारे भैया जो हैं राष्ट्रीय कश्यप एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कोई भी त्यौहार होता है, कुछ भी होता है, तो ये हमारे परिवार, हमारी फैमिली में एक परिवार के मेंबर की तरह हैं, और ये हमेशा हम लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, हमेशा साथ में और खड़े रहते बहुत हैं। मदद करते हैं, और कहने को तो मुँह बोली बहन है, लेकिन सगी बहन से ज़्यादा प्यार मान सम्मान। कभी भी फोन कर देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो भैया पीछे नहीं हटते हैं। साथियों नमस्कार, अभी इन्होंने छोटा सा परिचय दिया है मेरा। मैं कई संगठनों से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ, और लगभग 30 साल से इस गोरखपुर में सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं गोरखपुर में हिंदी विकास परिषद का सचिव भी हूँ। मैं गोरखपुर में राप्ती नगर नागरिक कॉलोनी के जो नागरिकों की समिति का कॉलोनी है, मैं वहाँ का महामंत्री भी हूँ। गोरखपुर में चारों सरकारी बीमा कंपनियों के, पूरे गोरखपुर मंडल के कर्मचारियों के जो यूनियन है, मैं उसका महासचिव भी हूँ। और मेरा अपना खुद का एक सामाजिक संगठन है, राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच, जो कि पूरे भारतवर्ष में 8 राज्यों में और 72 जनपद में काम करता है। हम अपने युवा मोर्चा की टीम के साथ, महिला मोर्चा की टीम के साथ, और यहाँ तक कि हमारा अपना विधिक प्रकोष्ठ भी है, हमारा अपना चिकित्सा प्रकोष्ठ है, साहित्यिक प्रकोष्ठ है। मैं उस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और मुझे यहाँ पर आकर के आप लोगों के सामने अपनी बात कहने का मौका मिला, इसलिए मैं इस चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी का दीपावली पर्व, छठ पर्व मंगलमय हो। आप सभी हमेशा जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें, यही मेरी कामना है, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। और हमारे भाई का हमारा रिश्ता बना रहे, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। और कमेंट में बताइएगा कि कपड़ा का कलर कैसा है। दोस्तों, आप लोग को पता है कि मेरे भाई मुझे गिफ्ट दिए हैं, अभी बहू रानी है, तो हम भी गिफ्ट खरीद कर रखे थे मीशो से, दिखा रहे हैं, मीशो से मंगाए थे, तो हम सोचे अपने बहू को भी दे दें। इधर खुश हो, इनके लिए हम भी दिवाली का अपना गिफ्ट लिए हैं, क्योंकि मेरे पति तो मुझे गिफ्ट देते नहीं दोस्तों है। अभी हमारा देखिए, अभी बहू रानी को मैडम गिफ्ट दे दी, और मैडम को इनके भैया गिफ्ट दे दी, अब दिवाली में खर्चा बच गया, बचे हम और राज, अपना खरीद लेंगे, दो दो चार चार सौ का काम। हमके चाहे दिवाली पे, ये कौन बात होला, भाई के पहन ना, ना हमारे भाई हमके देना ना, तुम चाहे पहनी है ना पहनी, तू के ले, तुमको भी चाहिए ना। ऐसे भाई रहे तो आप कितना अच्छा है, तुमको भी चाहिए, तुम्हारी मम्मी दे रही है ना, आपसे भी चाहिए। ये बहुत साफ साफ है, एकदम बचल है। तो हम लोगों को कोई गिफ्ट देने वाला नहीं है, तो गिफ्ट मिलने का कपड़ा था, मैंने दिवाली पहने का भैया दे देना।